हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके यूजेस, डोसेज, बेनिफिट्स, आप इन टैबलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं और इसे लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपके किसी इलाज के लिए लिख कर दे रहे हैं, ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पायो प्लस 2 टैबलेट की, और इसमें आपको 1 वाला वेरियंट और इसमें PM वाला वेरियंट, मतलब बहुत से ऐसे वेरियंट आपको अलग अलग मिल जाएंगे जिसमें आपको कंटेंट्स भी अलग मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टोटली आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कौन सा वाला वेरियंट दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर आपकी 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलेडीज के इलाज के लिए करते हैं। इसमें आपको 3 कंटेंट कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। एक आपको मिल रहा है इसमें ग्लिमेप्राइड, दूसरा मिल रहा है पायोग्लिटाजोन और तीसरा मिल रहा है मेटफॉर्मिन। ये तीनों कंटेंट आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, आपकी बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित करने का काम आपके लिए करते हैं, और ये सभी पार्ट जो है आपके यूरिन द्वारा आपकी शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यूरिन द्वारा आपके जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इसको बाहर फेंकने का काम करते हैं। तो हो सकता है आपको पेशाब को बार बार जाना पड़ सकता है, तो पानी का इंटेक थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, इसका भी आपको ख्याल रखना है। सो फ्रेंड्स, ये जो तीनों कंटेंट है इसमें सबसे पहला आपको ग्लिमेप्राइड मिलता है। ये एक सल्फोन्यूरिलिया है, ये आपके अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। दूसरा आपको मिल रहा है मेटफॉर्मिन, ये एक बिगुनाइड है जो आपके लीवर में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है और साथ में आंतों द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण में देरी करता है और इंसुलिन के प्रति शरीर की जो भी आपकी संवेदनशीलता है इसको बढ़ाने का काम के लिए करता है। तीसरा आपको मिलता है इसमें पायोग्लिटाजोन, ये एक इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाने का काम आपके लिए करता है। इसको खाने के साथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खाने के लिए बैठ रहे हैं तो 5 मिनट पहले आपको इस टैबलेट को ले लेना है। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे आपको ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है, स्वाद में बदलाव हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, एडिमा मतलब सूजन हो सकती है चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर, कहीं पर भी, वजन बढ़ सकता है, नजर धुंधली हो सकती है और श्वास लेने में आपके इन्फेक्शन देखे जा सकते हैं। ये जो साइड इफेक्ट है ये बिल्कुल कॉमन साइड इफेक्ट है, इसके लिए खासकर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी भी साइड इफेक्ट से अगर आपको तकलीफ महसूस हो तो डॉक्टर को दिखाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। इस टैबलेट को आपको भूखे पेट बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, गैस बन सकती है पेट में, तो इसको खाने के साथ ही लेना बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसे लेने से अगर आपको पीलिया जैसे लक्षण लगे, जैसे आंखों में पीलापन, नाखूनों में पीलापन, आपके हाथों में पीलापन लग रहा है, तो इस तरह के लक्षण अगर आपको लगते हैं तो तुरंत डॉक्टर को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्कोहलिक लोगों के लिए भी असुरक्षित है, इन्होंने बिना डॉक्टर को पूछे इसे नहीं लेना है। किडनी लीवर के अगर आप पेशेंट हैं तो किडनी लीवर के पेशेंट भी डॉक्टर को बिना पूछे इस दवा को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसे लेने से हो सकता है कि आपको हाइपोग्लासीमिया का भी एक लक्षण इसमें दिखाई देता है कि जैसे आपको ठंडा पसीना आना, कपकपी होना, बेहोशी होना, इस तरह के आपको हाइपोग्लासीमिया के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। शुगर लेवल के अचानक से कम हो जाने के लिए ऐसे लक्षण दिखते हैं। तो अगर ऐसा कभी आपको लगे तो आप कोई भी शुगर स्रोत को अपने पास रख सकते हैं, जैसे कैंडी है, फ्रूट है, जूस है, किसी भी तरह के शुगर स्रोत को अपने पास रखना इसमें जरूरी है। सिस्टोपिक कंपनी की टैबलेट है, बहुत सी कंपनियां इसको बनाती है। सेम कंटेंट को किसी भी कंपनी का सेम कंटेंट लीजिए, काम बिल्कुल आपको एक जैसा मिलने वाला है। सिस्टोपिक की बात करेंगे, 15 टैबलेट मतलब 15 टैबलेट की वन स्ट्रिप आपको मिलने वाली है। वन स्ट्रिप की कीमत आपको 91.50 रुपीज इतनी मिल रही है, अभी भी चल रही है एक्सपायरी में। अगर तो आप ये कंपनी की लेने जाओगे तो इतनी की ही मिलेगी, अगर आप अदर कोई कंपनी लेने जाओगे तो प्राइसिंग में आपको उतार चढ़ाव मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी भी मेडिसिन का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।